नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्डकाई में स्वागत करती हूँ। एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ त्वचा को भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे त्वचा रोग होते हैं जो शुरुआत में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण देते हैं और अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में वो गंभीर स्थिति का रूप ले लेते हैं। लाइकेन प्लेनिस भी एक ऐसा ही रोग है जिसके कारण त्वचा में सूजन और लालिमा हो जाती है। लाइकेन प्लेनिस सिर्फ त्वचा को ही नहीं बल्कि म्यूकस मेम्ब्रेन, बालों और नाखून को भी प्रभावित कर सकती है। त्वचा पर बैंगनी और लाल रंग के दाने और चकते बन जाना ही इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाइकेन प्लेनिस से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। अन्य स्व प्रतिरक्षित रोगों की तरह लाइकेन प्लेनिस की रोकथाम या बचाव करना संभव नहीं है क्योंकि इसके सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जीवन शैली में अच्छी आदतें जैसे धूम्रपान न करना, संतुलित आहार लेना और व्यायाम करना आदि अपनाने से लाइकेन प्लेनिस होने के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली की मदद से हार्ट डिजीज, हाई बीपी और डायबिटीज जैसे रोगों के लक्षणों को नियंत्रित रखने से डॉक्टर इनकी दवाओं की खुराक कम कर सकते हैं जो लाइकेन प्लेनिस से बचाव करने में मदद कर सकता है। संक्रामक नहीं होता है लाइकेन प्लेनिस। लाइकेन प्लेनिस के कारण त्वचा पर बने बैंगनी और लाल रंग के चकतों और सूजन को देखकर कुछ लोग समझते हैं कि ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित गड़बड़ी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैल सकती है। लाइकेन प्लेनिस का इलाज। लाइकेन प्लेनिस के कुछ मामले जो आमतौर पर गंभीर नहीं है और लोगों को उनसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है तो इनका इलाज कराने की जरूरत नहीं है। लाइकेन प्लेनिस आमतौर पर 2 साल के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए अगर इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है तो इसका इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि अगर लाइकेन प्लेनिस से गंभीर लक्षण हो रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल बोल्डस्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।